गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए आज एक और नया गेम लाया हूँ जिसका नाम है टू प्लेयर गेम्स चैलेंज। एक तो ये लेस एमबी का भी है ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें, और अगर आप दो जने हैं और अगर आप घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो आप इसमें कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं अकेले। और इसमें इतने सारे गेम हैं, मतलब 20 MB में आपको इतने सारे गेम मिल रहे हैं। तो मैं आपको हर एक गेम खेल के बता दूंगा कि कैसे खेलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले पिंग पोंग खेलते हैं कंप्यूटर के सारे गलत कर दिया मैंने प्लेयर वर्सेस प्लेयर कर दिया, प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर नहीं कर रहा, अब वो कंप्यूटर के साथ ही है। अब आप इसमें मोड भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको इजी चाहिए इजी मोड हो जाएगा, अगर आप टफ चाहिए टफ हो जाएगा। बट पहले आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से ताकि आप जीत सकें। कि इसे थोड़ा अरे ले तू भी खा, ऐसे जीतते रहो चलते रहो। स्पिन वॉर में आपको ये जो आपको आई दिख रही है रेड कलर की, इससे आपको अपने ब्लेड को कंट्रोल करना है और अपोनेंट्स के ब्लेड को गिराना है। हमेशा मैं क्यों जा रहा हूँ, चल जा नीचे बस। अरे आ गया वापस, ऐसे शायद 5 पॉइंट्स तक होता ही है, 5 पॉइंट्स जिसके सबसे पहले हुए वो जीता। हाश तू तो है तीसरा करना है तील है। वो जीत गया। शिट, और पोल शायद तक आप जानते होंगे बट मैं खेल के बता दूं कि आपको अपनी जो जैसे आपका रेड कलर है तो आपको रेड रेड सर्कल्स वाली जितनी भी बॉल्स दिख रही है उन सबको लेना है, और फिर सबसे लास्ट में एट वाली जो ब्लैक है वो लेनी है। तो बस जैसे एक कर देते हैं, तेज धरते हैं। अरे यार कुछ होता ही नहीं है, और अगर ब्लू की गई तो ब्लू को पॉइंट्स मिलते जाएंगे, वो जीता जाएगा। और इसमें अब है टिक टैक टो, जैसा देखते जाओ खेलते जाओ मजे से। अपन पेपर में खेलते थे, इसमें से ही खेल लो, लो जीत के। अब इसको टफ भी कर सकते हो आप सूमो में, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो रेड बटन है इसको आपको दबाते रहना जितनी तेज़ हो सके, तभी आप अपोनेंट को अगर उस सर्कल से बाहर निकाल देंगे तो आप जीत जाएंगे, और अगर आप बाहर निकले तो आप आउट जाएंगे, सिंपल है। और एयर हॉकी में आपको ये जो है हॉकी इसको कंट्रोल करना है, और जो उसका आपको रेड दिख रहा है जैसे मैं अपने उसमें जाके बताता हूँ, ये अगर उस रेड वाले सेमी सर्कल में अगर चली गई कॉर्ड जो है तो आपका पॉइंट हो जाएगा, अगर आपके अपोनेंट के उसमें गई, और अगर आपके उसमें गई तो अपोनेंट का पॉइंट। लो ये ले गोल, अरे यस ये लो। अरे 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 क्या हो रहा है यार ये। और इसी के साथ मैं एक और मैच जीत चुका हूँ। पेनल्टी किक्स में आपको बेसिकली गोल मारने हैं, ये जैसे गोल, अरे बचा लिया। बच गया। अब आपके अपोनेंट को पता नहीं आप कहाँ गोल मारेंगे, और आपको पता नहीं आपका अपोनेंट कहाँ गोल मारेगा, तो बस बचते रहो बचाते रहो। अरे यार बस ऐसे ही पेनल्टी शूट आउट है, स्नेक्स गेम है, देखते हैं। इसमें आपका जो स्नेक है, अगर आपका स्नेक का जो मुंह है आपके अपोनेंट स्नेक पे टच हो गया मुंह के अलावा कहीं भी तो अपोनेंट्स पॉइंट हो जाएगा, और अगर अपोनेंट का स्नेक आपके
आपकी बॉडी पे टच हो गया मुंह के अलावा, तो आपका पॉइंट हो जाएगा। जैसे मैं करके बताता हूँ, ये कितनी लंबाई है, ऐसे कभी ना कभी तो पॉइंट होगा। और जैसे उसका पॉइंट नहीं शायद मुंह से होगा टच, अरे आई अरे मुंह से होगा तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। चलो उसके पीछे जाओ, और क्या जैसे उसने मेरे को बॉडी पे टच करा तो वो मेरा एक पॉइंट हो गया। और मनी ग्रेवल में बस आपको जो मनी सामने दिख रही हो इसको उस पर क्लिक करके अपने बैंक में डालना है। और अगर आपके 20 पॉइंट्स कॉइन्स हो गए टोटल, जैसे अभी मेरे 9 हो गए, तो आप जीत जाओगे। सिंपल, इसको छोटे बच्चे खेल लें, बहुत अच्छा गेम है छोटे बच्चों के लिए। चलो बस एक और, इसी के साथ मैं जीत गया। इजी तो जीत सकते हैं पिनबॉल में, आपको जो ये रेड कलर के थोड़े रॉड्स दिख रहे हैं इससे आप उस पर आपको क्लिक करना है ताकि वो बॉल को पास कराए। और अगर आपके उसके बीच में से निकल गई तो आपके अपोनेंट का पॉइंट हो जाएगा, और अगर आपके निकल गई तो आपका पॉइंट हो जाएगा, जिससे हो रहा है ये नीचे। और इसी के साथ मैं जीत गया। इजी में तो कोई भी जीत सकता है, बट टफ में थोड़ा मुश्किल होता है। सो जैसा कि इसे आपको कंट्रोल करना है, वो जो डाई दिख रही है उससे कंट्रोल होगा, ये थोड़ा है तो सही, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जिसके सबसे पहले 10 लैप्स पूरे हो जाएंगे वो जीत जाएगा। सो ऐसे करें। सो आई होप कि आपको ये गेम अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये गेम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में मैं आपको और थोड़े इसमें गेम्स बताऊंगा खेल के। सो Bye guys.